ये मैम आपका ऑर्डर। वरुण तुम आज भी डिलीवरी ही कर रहे हो? आई मीन कॉलेज में तुम्हें देख के लगता था कि तुम्हारी कोई मजबूरी होगी डिलीवरी करना, बट नाउ आई थिंक दैट इट्स योर करियर चॉइस। देखो अपना ऑर्डर लो, और मुझे लेट हो रहा है, बाकी काम भी करना है। हाँ हाँ, और जगह डिलीवरी करने भी तो जाना होगा। निशिका अच्छा हुआ मैंने तुम्हें डंप कर दिया, वरना आज मैं भी तुम्हारे साथ घर घर जाती और डिलीवरीज देती, और हमारे बैचमेट भी हमारी मीम बनाकर इधर उधर शेयर करते। देखो अपना ऑर्डर लो प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। हाँ और एक सेकंड रुको, ये 500 रुपये तुम्हारे टिप, और आई गेस इतनी बड़ी टिप तो तुम्हें पहली बार ही मिली होगी। थैंक यू। ओह तो तुम यहाँ डिलीवरी का काम करते हो, बहुत सही जगह जॉब करते हो तुम। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर है, और अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें भूल कर 1-2 हज़ार का इंक्रीमेंट दिलवा दूँगी तुम्हें, और तुम भी क्या याद रखोगे कि कितनी अच्छी एक्स गर्लफ्रेंड मिली थी तुम्हें। तुम आज भी उतनी बदतमीज हो ना जितनी कॉलेज में थी। अगर कॉलेज के 10 साल बाद भी कोई डिलीवरी कर रहा है तो उससे तो मैं तमीज से बात नहीं करूंगी। करुण, ये वरुण है, ये कॉलेज में मेरे साथ था, एंड मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे काम करता है, सो इसका हो सके ना तो 1,000-2,000 का इंक्रीमेंट करवा देना, ये शुरू से ही बहुत गरीब था। इशिका ये तुम क्या बोल रही हो, ये बॉस है मेरे। वॉट? हाँ आई एम रियली सॉरी सर, ये मेरी वाइफ है, एक्चुअली घर पे फाइल्स भूल गया था तो वही लेके आएंगे, इनको प्लीज माफ कर दीजिए। इट्स ओके। ठीक है सर मैं चलता हूँ, तुम भी घर जाओ। सॉरी वरुण, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर ओनर हो, आई थॉट कि तुम यहाँ पर डिलीवरी करते हो। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे यहाँ डिलीवरी करने आया था तो वो हमारे दिन का लास्ट ऑर्डर था, बट अनफॉर्चुनेटली सारे डिलीवरी बॉयज जा चुके थे। मैं तुम्हारे घर की तरफ ही आ रहा था तो सोचा कि मैं डिलीवर कर देता हूँ, और वैसे भी मैंने मेरे करियर की शुरुआत एज अ डिलीवरी बॉय तो की थी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। और तुम्हें तो पता है कि ये छोटा काम बड़ा काम मैं बिलीव नहीं करता हूँ चीज़ों में। तुम्हें पता है हर इंसान बड़ा बनने से पहले ना एक छोटे काम से ही शुरुआत करता है, और जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी ना, आई होप तुम भी एक अच्छे इंसान बन जाओगे। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.